जैव विविधता डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज कुछ याद आया चैप्टर सेवन ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस सो दैट मीन्स दिस चैप्टर इन नाइन्थ वी हैव स्टडीड एवरीथिंग ऑल दिस बिफोर व्हाट कम्स इन इलेवेंथ बायो यूनिट वन चैप्टर टू इसी तरह से जैव विकास एवोल्यूशन भी हम पहले पढ़ के आए हैं क्लास टेंथ की साइंस में सो व्हाट अबाउट दिस ऑल दिस रिटर्न इन हिंदी सो जस्ट टू टेल यू द फैक्ट दैट वट एवर यू स्टडीड सपोज इन हिंदी इन योर नाइन्थ एंड टेंथ क्लास ऑल दिस इज अवेलेबल द सेम टर्म्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश इन द हायर क्लासेज इन अलेवेंथ मोनेरा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं मोनरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा सेम टर्म्स ये मोनरा प्रोटिस्टा फन जाइाइए क्या हैं द फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन हु गेव दिस विथ साइंटिस्ट विकर मोनरा बिल्कुल लोएस्ट किंगडम है इसमें आ जाते हैं सारे बैक्टीरिया यानि प्रोकेरियोट्स नेक्स्ट कम्स द प्रोटिस्टा इसमें सारे अमीबा पैरामीशियम युगलना ये सब आ जाते हैं अगेन सिंगल सेल्ड But eukaryotes having the nuclear membrane. Fungi, fafundi more advanced than protista. Isme aate hain unicellular forms, that is yeast, and multicellular forms, that is molds. Kingdom Planti, sare plants isme aate hain. Animalia, animal kingdom. All this is chapter two of class eleventh bio, that is biological classification. पूरा यूनिट हमें नाइन्थ टेंथ की याद दिलाता है चैप्टर टू ऑफ एलेवेंथ क्लास अगेन क्रिप्टोगैम्स ग्स द टू ग्रुप्स ऑफ प्लांटी किंगडम इंग्लिश हिंदी सेम टर्म्स तभी मैंने यहाँ हिंदी में लिखे हैं क्रिप्टो गैम्स फेनरोगेम्स ये क्या हैं क्रिप्टो गैम्स सीडलेस प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्ट्स जनरली प्लांट्स प्लान्टविंग सीड्स क्रिप्टोगैम्स की फर्दर डिविजन्स हैं थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेनिडोफाइटा अगेन इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली थैलोफाइटा में आती हैं एलगी ब्रायोफाइटा कंसिस ऑफ फ्यूनेरिया एग्जाम्पल मॉसिस एंड लिवर वर्ड्स ब्रायोफाइटा में मिलते हैं टेनिडोफाइटा इसमें आ जाते हैं ड्रायोपटेरिस वन एग्ज़ाम्पल यानी फर्न्स, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिलेंगे जायलम फ्लोइम नहीं मिलते जिम्नोस्पर्म्स, फर, प्रूस पाइन वगैरह इसमें आएंगे। एनजियोस्पम्स द फ्लॉरिंग प्लांट्स इनमें सीड्स फ्रूट्स से कवर्ड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं क्या हमने ये सब पहले पढ़ा है हाँ वी हैव स्टडिड ऑल दिस in ninth class. Unit first, class eleventh bio ka ek aur chapter, animal kingdom, lowest forms, porifera. Again Hindi English क्यों लिखे? आपको ये बताने के लिए कि terms एक ही रहते हैं और हम पहले ये पढ़ के आए हुए हैं ninth tenth में इसलिए bio is fun, biology, a cool, easy and fun science. It just needs some bit of your dedication, some bit of your hard work. Sponges come under Porifera, Cylenterata, The next phylum, slightly advanced, then Porifera, Hydra, Jellyfish, Yani Aurelia, radial symmetry, wale animals, aquatic, mostly marine. The body can be divided into two equal halves in many planes, numerous planes. इनसे बेटर एडवांस्ड ग्रुप है प्लेटिहलमिंथिस का यानी फ्लैट वाम्स द टेप वाम द लीवर फ्लूक निमेटोडा एस्केलमिंथिस इनका विकास हुआ यानी राउंड वाम्स एस्कैरिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल नेक्स्ट इज़ द वर्ड ऑफ सेगमेंटेड वाम्स दैट इज द अर्थ वाम एंड द लीचिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रीडिया होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म्स आर्थरोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इसमें आते हैं सारे कीड़े मकौड़े इंसेक्ट्स हेड थॉरक्स एबडामिन थ्री पार्ट्स बॉडी पार्ट्स ज्वाइंटेड लेग्स दैट इज ज्वाइंटेड अपनेडेज मुलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी थ्री बॉडी लेयर्स मिलती हैं एक्टोडर्म मिजोडर्म एंड्रोडम पाइला ऑक्टोपस सम एग्ज़ाम्पल्स इनके बाद आ जाते हैं इकाइनोडर्म्स यानी स्टारफिश स्पाइंस स्पाइन्स होते हैं बॉडी पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनकी पहचान है इकाइनोडर्म्स में सारे मैरीन होते हैं इनके बाद बना हैमिकॉडाटा बैलनोकलॉस वन एग्जाम्पल नेक्स्ट गेम द कॉडेट्स जिसमें हम भी आते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड डोर्सल हॉलो नर्व कॉड पेड फेरेंजियल गिल्स दैट इज अ मस्ट इन कॉडाटा इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स वायलिट्रल सिमिट्री मिलती है एसीडिया पेट्रोमाइजॉन स्कॉलियोडॉन दैट इज डॉग फिश बोनी एंड कार्टिलेजनस फिशज एम्फेबियंस दैट इज द फ्रॉग टोड्स रेपटाइल्स द लिजर्ड्स द स्नैक्स बर्ड्स एंड मैमल्स क्या ये सब हमने पढ़ा है पहले छोटी क्लासेस में येस yes, ये सब हम पढ़ के आए हैं नाइन्थ क्लास के जैव विविधता डाइवर्सिटी चैप्टर में टू ऑफ क्लास इलेवेंथ बायो morphology of flowering plants that is study of external features of angiosperms roots can be taproot can be fibrous root tap root in dicots fibrous root in monocots some modifications in roots are roots may conserve food they may store food they may be edible carrots radish turnip

अगैन मे बी मॉडिफाइड फॉर पेरीनेशन और फॉर स्टोरेज ऑफ फूड पोटैटो जिंजर स्टोर करती हैं फूड को स्टेम टैनरिल्स मैंड फॉर सपोर्ट कुकुम्बर वाटर मेलन पम्पकिन ग्रेप्स थॉर्स ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्राम ब्राउजिंग एनिमल्स जो खाते हैं पौधों को उनसे बचाते हैं प्लांट्स को उन जानवरों से बोगेन विलिया फॉन एग्जाम्पल ओपनशिया नाग फनी फिलोक्लेट फ्लैट ग्रीन स्टेम लीफ स्पाइंस आर देअर टू अवॉयड ट्रांसपरेशन वाटर लॉस देन देर आर समस्टैम्स विच कीप रनिंग टू प्रोपेट द प्लाट्स द ग्रास द लीफ रेटिकुलेट वनि नेटवर्क मिलता है इसमें वेन्स और वेनलेट्स का जाल और पैरल वेनेशन पैरेलल पहचान है मोनोकॉट्स की राइस ये वीट डायकॉट्स के अंडर आते हैं बाकी सब पौधे जैसे कि तुलसी जामुन नीम द डाइकॉट्स आर प्लांट्स वेयर द एम्ब्रियोज हैव टू कॉटिलिडेंट्स हैविंग रिजर्व फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो प्लूम्यूल रेडिकल ये है एम्ब्रियो का डायग्राम मोनोकॉट्स के सीड्स में एक ही कॉटिलिडन होता है एम्ब्रियो में लुक एट ए एंड बी विच ऑफ दीज लीव्स इज अ कंपाउंड लीफ यस बी क्योंकि इसमें जो कट्स हैं देखो के अंदर, वो रिप को छू रहे हैं ए इज द सिंपल लीफ इसमें कट्स तो हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहे दीज आर द लीफ टेंड्रिल्स मैन फॉर सपोर्ट ये लीफ स्पाइंस हैं अगेन टू प्रोटेक्ट ये एक मच्छर अट्रैक्टेड हो रहा है इस प्लांट की तरफ अरे 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 लीफ ने इसको बंद कर दिया फटाक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर नाउ लुक एट इट चैप्टर फाइव ऑफ क्लास टेंथ में पढ़ के आ रहे हैं हम ये टेंथ में इसको इस टॉपिक को और चैप्टर फाइव ही है इलेवेंथ बायो भी सो इंटरेस्टिंग कैलिक्स द आउटर मोस्ट वर्ल्ड इसमें ग्रीन पत्तों जैसे अपनेडेज मिलती हैं सेपल्स कोरोला कम्स नेक्स्ट कलरफुल ब्राइट मेड ऑफ पेटल्स देन कम्स द स्टेमन द मेल पार्ट एंड द कार्पल द फीमेल पार्ट मेड ऑफ पिस्टिल्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मिले ऐसे वाले प्लांट्स ऐसे वाले फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें केवल या तो ये मिले या ये वाला पार्ट मिले दोनों ना मिले एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन ऑफ अ फ्लावर यानी जिसमें कौन सी सिमेट्री हो रेडियल सिमेट्री मिले जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स जिनमें बायोलेट्रल सिमेट्री होती है ऐसे वाले फ्लावर्स जिसमें डिवीज़न दो हिस्सों में ओनली इन वन प्लेन पॉसिबल हो डाइकॉट्स मोनोकॉट्स को याद दिला दूँ हम एक बीज पत्री दी बीज पत्री कहते आए थे इन लोअर क्लासेस सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन योर यूनिट टू ऑल्सो इन एलेवंथ गेमोसेपलस कंडीशन जिसमें सेपल्स आपस में जुड़े हुए हों पॉलीसेपलस जिसमें सेपल्स फ्री हों यूनाइटेड ना हों जुड़े हुए ना हों इस तरह करके बहुत सारे टर्म्स के संदर्भ में हमें यहाँ मिलते हैं हेयर इन द ओवरी पार्ट यू कैन सी राउंड स्ट्रक्चर्स ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं ओव्यूल्स जिनमें मिलते हैं ये ब्राउन ब्राउन जो बनाए मैंने ये हैं एग यानी ओवा नाउ द अनाटमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स स्टेम्स द वेरियस ऑर्गन ऑफ प्लांट रूटेपिक्स और स्टेम एपिक्स यानी शूट एपिक्स ये दोनों दिखाए हैं यहाँ इनमें है मैरिस्टेम्स मेरिस्टमेटिक टिशू अ फास्ट ग्रोइंग टिश्यू मल्टीप्लाइंग टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम ये सबसे ऊपर ऊपर वाला देखो ये नोड्स वाले हैं इंटर केलरी मेरीस्टेम्स और ये जो साइडों में बनाई हैं धारियाँ धारियाँ सी ये हैं लेटरल मेरिस्टम्स लेटरल मेरिस्टेम्स यानी वेस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम और इनको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में एक्टिव होते हैं और तने की गर्थ को तने की डायमीटर को बढ़ाते हैं तने को मोटा करते हैं द परमानेंट सेल्स दैट इज द पेरन कायमा सेल्स कॉलन कायमा टिश्यू एंड स्कलैरन कायमा टिश्यू ये तीनों कहलाते हैं परमानेंट टिशू इन द प्लांट्स ये सारे हम प्लांट्स के टिशूज़ कर रहे हैं काइमा को देखो ये सेल्स बने हुए हैं पर इनमें स्पेसिस हैं इंटर सेलुलर स्पेसिस इनमें नहीं है ये डिफरेंस है क्योंकि इनमें ना थिकनिंग आ गई है इसमें सेलुलर्स जम गया सेल वॉल के ऊपर और कॉर्नर्स के ऊपर पैक्टिन हेम वगैरह जम गए हैं यानी डिपोजिशंस कॉलनकाइमा में इसलिए ये थिक एंड आउट हैं और इनमें कॉर्नर्स भरे हुए हैं इनमें कॉर्नर्स देखो नहीं भरे हुए स्पेसेस हैं पेरनकाइमा सेल्स फाउंड इन सॉफ्ट स्टेम्स सॉफ्ट टिश्यूज़ कॉलनकाइमा कहाँ मिलेंगे स्लाइटली हार्ड वाले में मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये और जैसे कि स्टेम्स में मिल जाएंगे लीफ की जो डंडी है पीटीओल उसमें मिल जाएंगे द पेरनकाइमा एंड द कोलनकाइमा बूथ आर लिविंग टिशूज स्कनकाइमा को देखो डेड टिश्यू मेड ऑफ डेड सेल्स क्योंकि इसमें थिकनिंग ये देखो ये सेलवॉल है ये जो ग्रे ग्रे है सेलवॉल इतनी थिक हो चुकी है ड्यू टू डिपोजिशंस की इसका न्यूक्लियस ख़त्म हो चुका है मर चुका है सारे ऑर्गनल्स मर चुके हैं साइटोप्लाज्म चुक है, खत्म है ये मिलते हैं गुआवा में बहुत सख्त टिश्यू है फाउंड इन वॉल्स ऑफ नट्स जायलम एंड फ्लोएम जटिल स्थाई ऊतक ये सभी टॉपिक्स हम नाइन्थ की साइंस में ऊतक चैप्टर में पढ़े हुए हैं हमने सेम टू सेम टॉपिक्स जायलम इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स फ्लोएम इज अगेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स जाइलम के एलिमेंट्स क्या हैं ये बना हुआ है चार तरह के सेल्स का तब इसको कंपाउंड बोलते हैं ट्रिकीड्स वेसल्स, जायलम पैरनकाइमा एंड जायलम फाइबर्स। इनका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। दिस इज़ डन बाय जायलम फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीफ क्योंकि लीफ है फूड बनाने वाला ऑर्गन वहाँ से सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोवाइड होता है फ्रूट फूड बाय द फ्लोएम इट इज मेड ऑफ सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड अगेन फ्लोएम फाइबर्स चार तरह के सेल्स एनाटॉमी के चैप्टर में डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स के ऑर्गन्स को रूट स्टेम्स लीव्स वगैरह को कंपेयर किया गया है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को उनके ट्रांसफर सेक्शंस को कंपेयर किया गया है टी एस स्टेम एक एग्जांपल बनाया यहाँ पे तो इसमें है एपिडर्मिस ऊपर ऊपर की लेयर सेल्स की लेयर फिर आ जाती है हाइपोडर्मिस इसमें अलग तरह के सेल्स मिलेंगे एंडोडर्मिस पेरिसाइकल अगेन अ लेयर देन देर आर द बंडल्स विच यू कैन सी द फ्लोएम जाइलम कैन बी सीन बीच में है कैमियम की स्ट्रिप इसी तरह से मोनोकॉट स्टेम का भी है इसमें रेफरेंस चैप्टर में डाइकॉट मोनोकॉट रूट्स के ट्रांसफर सेक्शन आपको याद करने होंगे ये है डायकॉट लीफ का एक डायग्राम ये है स्टोमेटा ये एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस ये लोअर एपिडर्मिस हो गई फिर ये पैलीसेड एंड स्पॉन्जी क्या आ गई ये मीजोफिल टिश्यू आ गया ये सारा सेल्स ही सेल्स बीच बीच में बंडल पड़े होते हैं देखो जाइलम फ्लोइम के ये एनिमल टिश्यूज जंतु ऊ तक अगेन ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास नाइन्थ स्क्वेमस एपिथीलियम हाईली फ्लैट आउट सेल्स लाइक टाइल्स कहाँ मिलते हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एयर सैक्स ऑफ लंग्स क्या फंक्शन है डिफ्यूज़न मतलब इतने पतले हैं कि इनमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह मटेरियल्स हो पाता है डिफ्यूज़न है इनका फंक्शन क्यूबॉडल एपिथेलियम क्यूब जैसे डाइस की तरह वाले सेल्स किडनीस के नेफ्रॉन्स में मिलते हैं ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स खम्बे जैसे सेल्स इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में कौन मिलेगा कॉलमनर सेल्स एनिमल्स पे और भी बहुत सारे ऊतक हैं टिश्यूज हैं जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू मसल टिश्यू स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स रेखित पेशिया और रेखित पेशिया यानी स्मूथ यानी चिकनी पेशी कार्डियक यानी हृदयिक पेशी मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन न्यूरॉन्स, न्यूरल टिश्यू का पार्ट है न्यूरॉन्स जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है नर्व्स बनी हुई हैं अर्थवॉर्म कॉकरोच और फ्रॉग इन तीनों के सारे सिस्टम्स मेन सिस्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ये सब पढ़ते हैं मॉरफोलोजी ऑफ एनिमल्स वाले चैप्टर में अर्थवॉम इनवर्टिब्रेट कॉकरोच इनवर्टिब्रेट फ्रॉग वर्टिब्रेट एम्फेबियन एनेलिड आर्थ्रोपॉड। तो इन तीनों के सिस्टम्स पढ़ते हैं अंडर मॉरफॉलोजी श्वैन वर्चो इन तीनों नामों से कुछ दिमाग की घंटी बजी अगेन नाइन्थ क्लास याद आई इन तीनों ने मॉडर्न सेल थ्योरी इनके कारण है इन, ये श्रेय जाता है इनको देर आर वेरी टाइनी सेल्स विच फॉर्म ऑल लिविंग बीग्स वर्चो ने इसमें एक और नई चीज़ फीचर ऐड किया क्या सेलुला, ए सेलुला, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हाँ ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेमब्रेन एबसेंट हो वेरी स्मॉल प्रिमिटिव सेल्स बैक्टीरिया आ जाते हैं सारे के सारे प्रोकेट्स में यूक्रियोड्स जिसमें यूनिसेलुलर भी हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी हैं लेकिन न्यूक्लियर मेमब्रेन प्रेजेंट है इन द सेल्स प्लांट सेल इसका डाइग्राम देखिए द सेल वॉल द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाजमा गया न्यूक्लियस केंद्रक ये है ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाइन्थ में पढ़ा था सेंट्रल वैक्यूर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पावर हाउस ऑफ सेल्स और ये है क्लोरोप्लास्ट अगेन प्लांट सेल्स की पहचान राइबोसोम्स भी जहाँ तहाँ दिख रहे हैं और भी बहुत सारी बॉडीज मिलती हैं प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स में गोल्गी बॉडीज और डिक्टोसोम्स इन प्लांट सेल्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नाइन इसमें हम प्रोटीन्स लिपिड्स पॉलीसेक्राइड्स न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करते हैं प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स इनके यूनिट्स जैसे कि एलानिन सिस्टीन एमिनो एसिड्स तो ये हेट्रोपॉलीमर है होमोपॉलीमर नहीं क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं मोनोमर यूनिट्स एमिनो एसिड्स भी कुछ असेंशियल होते हैं कुछ नॉन असेंशियल होते हैं जो हमारे को बॉडी से मिल जाएं, वो नॉन असेंशियल लेकिन जो बहुत ज़रूरी हो, बाहर से खाना फूड से लेना वो क्या कहलाएंगे असेंशियल एमिनो एसिड्स तो ये एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल बनाया गया है अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा एनएचसीओ लिंकेजेस प्रोटीन्स बहुत काम के होते हैं दे हैव मैनी फंक्शंस सम कैन बी कॉल्ड एनजाइम्स ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एनजाइम्स एनजाइम्स क्या हैं दीज आर केमिकल्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी दे आर बायो कैटलिस्ट्स ऐसे ही बात होती है हॉर्मोन्स की तो कुछ प्रोटीन्स हॉर्मोन्स भी हैं हॉर्मोन का एग्जांपल है इंसुलिन हॉर्मोन्स क्या होते हैं दीज आर द केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्मॉल अमाउंट्स द पॉलीसेक्राइड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स एग्ज़म्पल्स स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज इनुलिन इनुलिन ये पॉलीमर है फ्रक्टोस का स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट्स ग्लाइकोजन फाउंड इन एनिमल्स मेड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर यूनिट्स सेलुलोज अगेन ग्लूकोज मोनोमर यूनिट्स सेलुलोज सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स में मिलता है लिपिड्स वसा चर्बी वाटर इंसॉल्यूबल सिंपली फैटी एसिड्स के बने हो सकते हैं या फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बने होते हैं द न्यूक्लिक एसिड्स लार्ज मॉलिक्यूल्स मैक्रो मोलिक्यूल्स डी एन ए आर एन ए आर एग्जाम्पल्स जेनेटिक मटीरियल्स डी एन एज जनरली द कॉमन जेनेटिक मटीरियल डी एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए में चार पेसिस होते हैं थाइमिन होता है यूरेसल नहीं होता इसमें यूरेसल होता, होता है ये फ़र्क होता है शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस कोई ना कोई और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप एक स्ट्रैंड बनाता है पॉलियो चेन कहलाती है एक स्ट्रैंड पॉलियो चेन कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म को मिलाकर मेटाबोलिज्म कहते हैं अगेन स्टडीड इन टेंथ क्लास चैप्टर टेन सेल साइकिल एज यू कैन सी हेयर द फेजेज ऑफ सेल साइकिल आर इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज ये माइटोसिस फेज दिख रही है येलो वाली बहुत ही कम और ये जो पूरा बाकी सर्कल है ये सारी है इंटरफेज़ सेल डिविज़न यानी माइटोसिस की तैयारी हो रही होती है डी एन ए डबलअप हो रहा होता है और सिंथेसिस हो रहा होता है प्रोटीनस का मटीरियल्स का इन द इंटरफेज सो द वेरियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाई विच अ सेल डिवाइड्स इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द सेल साइकल टू टाइप ऑफ सेल डिजन्स आर देयर द माइटोसिस डिविजन मोसिस इक्वेशनल डिवीज़न कहलाती है माइटोसिस ये कहलाती है रिडक्शनल डिविजन ये बनाते हैं एक सेल से पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें इजेंट इट वेयर एज इन मीओसिस फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्राम वन पेरेंट सेल ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन है गैमेट फॉर्मेशन होती है म्योसिस से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे सबस्टांसिस मूव करते हैं प्लाट्स में इधर से उधर डिफ्यूजन मदद करता है द मूमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम द रीजन ऑफ द एयर हायर कंसनट्रेशन To the region of their lower concentration is called diffusion, that is, along the concentration gradient generally, diffusion takes place. Osmosis, a special kind of diffusion only, again, movement of solvent molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, but across a semi permeable membrane. पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या फ़र्क है इसमें एनर्जी नहीं लगती ए यूज़ नहीं होते एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है ये है वाटर पोटेंशियल और ऐसे ही होता है सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस और प्रेशर पोटेंशियल साई पी वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है दे होल्ड काइनेटिक एनर्जी सो दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली प्योर वाटर हैज़ द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन टू बी ज़ीरो मैक्सिमम है और इसमें सॉल्यूड डालने के बाद ये माइनस हो जाएगी वैल्यू साई डब्ल्यू की ये क्या है प्लाज्मोलिसिस प्लाज्माइज सेल इज शोन हेयर इन दिस डायग्राम. प्लांट सेल दिखाया है उसमें प्लाजमोलिसिस होती है एनिमल सेल्स में नहीं होती क्लास नाइन्थ में भी पढ़ के आए हैं हम ये टॉपिक ड्यू टू एक्सॉसमोसिस पूरा प्रोटोप्लाज्म वो पिचक के कहीं एक साइड पे आ जाता है इस डायग्राम में ट्रांसपिरेशन दिखाया गया है ज़ाइलम के द्वारा रूट्स से पानी ऊपर चढ़ा 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 पत्तों तक गया ट्रांसपायर हो गया इस सब के कारण एक ट्रांसपिरेशन पुल पैदा होता है इन द ज़ाइलम जो कि क्या है पतली पतली ट्यूब्स ही तो हैं पाइपें हैं तो कैपिलरी एक्शन हो रहा है ट्रांसपेरेशन पुल हो रहा है जिसके कारण पानी एकदम कई कई मीटर ऊपर चढ़ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ऊपर चढ़ जाता है सूक्ष्म पोषक वृहत पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन साइकिल ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे पार्ट पंद्रह नाइन्थ क्लास में Or, same topics, same material, chapter 12, 11th class bio may be available. Hai. Macronutrients are the elements found in the soil, in the air, in the water, needed by the plant in large amounts carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, micronutrients. Needed in small amounts by the plants, trace elements iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine, nickel. The process of conversion of nitrogen, atmospheric nitrogen gas into ammonia is termed as nitrogen fixation. Nitrogen fixation. Can be biological, industrial, electrical in nature, decomposition of the organic nitrogen of dead plants and animals. It gets converted into ammonia and is called ammonification. Some of this ammonia volatilizes to re enter the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by the soil bacteria. इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इन्वॉल्व आर नाइट्रोसोमनास नाइट्रोकॉकस नाइट्रोबैक्टर द नाइट्रेट प्रेजेंट इन द दॉयल इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन अगेन बैक एंड दिस इज कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन इस सबको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्लास टेंथ चैप्टर सेवन प्लांट हॉर्मोन्स Same thing being studied in class 11th bio also. Phytohormones, auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, abscisic acid are the plant hormones. Chemicals which are required by the plant for its growth and development and these influence the processes going on in the plant. Role of gibberellin for the plant. It is one of the plant hormones that regulates many of the रेंज ऑफ प्रोसेस लाइक सीड जर्मिनेशन स्टेम की एलोंगेशन करता है स्टेम को लंबा करता है लीफ की एक्सपेंशन करता है फ्लारिंग करवाता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लार्स फ्रूट्स एंड सीड्स में मदद करता है जिब्रेलिन ऑक्जिन स्टेम एलोंगेशन कराता है एपिकल डोमिनंस प्रमोट करता है स्टेम बर्ड्स रूट टिप्स पर मिलता है और सेल की इलोंगेशन कराता है एथिलीन इसका रोल है फ्रूट राइपनिंग में एप्सिसिक एसिड ये ज़्यादातर इनहिबिट करता है प्रोसेसेस को प्लांट के ग्रोथ को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करता है जैसे कि लीफ फॉल कराएगा पौधे की मदद करता है इस तरह से अनफेवरेबल टाइम्स को क्रॉस करने के लिए कवर करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन ये भी टेंथ क्लास का टॉपिक रहा है लेट अस लेबल दिस माउथ फैरिंग्स देन दिस फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस स्टमक द स्ट्रक्चर्स, ये ड्यूटनम आ गई ये जो यू श्यूप शेप ट्यूब बन रही है ड्यूटनम फिर ये किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का तो ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये उसके बाद आ गई है ज्वाइन किससे करिए ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम एनस सो दिस इज़ अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन ये कुछ ग्लैंड जैसे कि लिवर और पेनक्रियाज येलो लीफ शेप्ड पेनक्रियाज दे टू हेल्प एंड प्रोड्यूस जूसेस एंजाइम्स एलेवेंथ क्लास चैप्टर सेवन टेंथ क्लास चैप्टर सिक्स सेम टॉपिक्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शोन हेयर द डाइग्राम लेटस लेबल इटअप नेजल कैविटी आ गई फेरिंग्स लेरिंग्स द वॉइस बॉक्स द साउंड बॉक्स ट्रैकिया द वंड पाइप इसमें कार्टिलेजनस रिंग्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये आगे भी हैं कार्टलेजनस रिंग्स डिवाइड हो रही है ट्रैकिया इंटू टू पार्ट्स ब्रोंकाई एंड रोंकिल्स बन रहे हैं और फाइनली यहाँ पे ये सेक लाइक एल्वियलाई नज़र आ रहे हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वलई में बहुत ही पतली इनकी वॉल होती है ये है डायफ्राम एक मेम्ब्रेन जो कि ऊपर और नीचे हो जाता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और मदद करता है रेस्परेशन होने में ये दो हैं कवरिंग्स प्लूरा आउटर एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ द लंग्स थोड़ा सिक कैटी में मिलते हैं लंग्स रिब गेज से ढके हुए होते हैं चैप्टर एटीन ऑफ क्लास एलेवेंथ चैप्टर सिक्स ऑफ क्लास टेंथ सेम टॉपिक्स द ब्लड इज शोन फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू दिस इज द लिक्विड पार्ट दैट इज द प्लाजमा देट इस लेबल इट दिज आर द आर बी सी न्यूमरस ऑफ दम रेड ब्लड सेल्स टाइनी स्मॉल एंड बाई कनकेव ये देखो यहाँ पे बाई कनकेव दिख रहा है ये जो टूटे टूटे से हैं मेगा कैरोसाइट से टूट कर बनते हैं ये हैं प्लेटलेट्स ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं आर बी सी ऑक्सीजन लेके जाते हैं इधर उधर क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन है वाइट ब्लड सेल्स लुक लाइक एंड एक्ट लाइक अमीबा और ये कैच करते हैं पकड़ लेते हैं फॉरन पार्टिकल्स को जर्म्स को और खा जाते हैं फैगोसाइटोसिस हेयर दिस इज द ह्यूमन हार्ट सेक्शन शोन ये एक बहुत सिंप्लीफाइड स्केच है सिंपल किया हुआ डायग्राम। ये दो ऑरिकल्स टू चैम्बर्स ये है राइट right ऑरिकल ये है लेफ्ट ऑरिकल यानी एट्रिया ये है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल चार चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में मैमल्स में पल्मोनरी वेन आ रही है फ्राम द लंग्स ब्रिंगिंग प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड यहाँ से आ रहा है इमप्योर ब्लड अगेन फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हु इज़ ब्रिंगिंग द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर वाह ये ब्लड को ले जा रही है इमप्योर ब्लड को लंग्स के पास ताकि प्योरीफाई हो सके और ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी

लेट अस लेबल इट ये हैं दो किडनीज ये है रिनल आर्टरी और ये है रिनल वेन एंटरिंग द किडनी एंड एक्जिटिंग आउट ऑफ द किडनी मैन फॉर फिल्टरिंग द ब्लड ये है यूरेटर पाइप लाइग स्ट्रक्चर दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कैन एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड यूरेथ्रा द यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नैफर ऑन शोन हेयर ये जो मास ऑफ कैपिलरीज एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस याद आया ए फ्रंट आरटीरियोल ई फ्रंट आरटीरियोल शोन हेयर दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर क्या कहते थे इसको बोमैंस कैप्सुल जो कॉइल्ड पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वोलियुटेड टिब्यूल ये है डिजटल कन्वोलियुटेड टिब्यूल इन दोनों के बीच में ये यू शेप ट्यूब क्या कहलाती थी लूप ऑफ हैंडले एंड ये है कलेक्टिंग डक्ट चैप्टर ट्वेंटी वन क्लास इलेवेंथ ऑल्सो सेम टॉपिक्स कवर्ड इन टेंथ हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज मेड ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कमिंग फ्रॉम द स्पाइन ये ब्रेन वाली नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ईच ऑफ दिज पार्ट इट्स ओन फंक्शंस मेनली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का काम है मैसेजिंग टू एंड फ्रो हेल्पिंग अर्स कॉर्डिनेट विद द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और आउटसाइड एनवायरमेंट से हमको कोप अप करने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं मदद करते हैं न्यूरोस होते हैं मदद करते हैं होम्योस्टेसिस मेन्टेन करते हैं मेमोरी और थिंकिंग में मदद करता है ब्रेन रिफ्लैक्स आर्क रिफ्लैक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं सडन होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड ही सीधा ही जवाब दे देती है कि क्या करना है ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता इसी चैप्टर में ह्यूमन आई का डायग्राम दो एरिया साफ नज़र आ रहे हैं द विट्रियस चैम्बर एंड द एक्वस चैम्बर ये पिंक पिंक थ्री लेयर्स आउटर मोस्ट क्लेरा देन मिडल कोरोइड इनर मोस्ट रेटिना जिस पर इमेज बनती है दृष्टि पटल ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ जाती हुई आगे हमें ये एक बाय कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है हैंगिंग विद द लिगामेंट्स ये आगे आई की लेयर कॉर्निया ये जो सिलियरी बॉडी है यहाँ पे, यही आगे एक्सटेंड होकर आयरिस बनाती है जो हमें विजिबल है द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई ओपेक पिगमेंटेड रेटेना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स इमेज यहाँ इन्वर्टेड बनती है इस पर और बाद में ब्रेन उसको सीधा कर देता है द ह्यूमन ईयर सिंप्लीफाइड डायग्राम, दिस इज द पिन्ना तो एक आउटर ईयर मिडल ईयर और इनर ईयर होता है तीन पार्ट्स ऑफ द ईयर आउटर ईयर में आ गया पिन्ना एक्सटर्नल ईयर और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये पाइपलाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर्दा जो हिलता रहता है वाइब्रेट करता है अलॉन्ग द साउंड Waves. फिर यह अटैच है मेलियस इनकस एंड स्टेपिस तीन बहुत छोटी छोटी बोन्स द ऑसिकल्स ये तीनों एक दूसरे से अटैच हैं इन अ चेन लाइक फैशन द यूस्टेश ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन आदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम ये फ्लूड फील्ड इनर ईयर आ गया कॉल द लेबरिंथ इसके दो पार्ट्स हैं the bony and the membranous लेबरिंथस bony labyrinth series of channels इसके अंदर एक फ्लूड होता है पेरीलिम्फ जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है उसके अंदर भी एक फ्लूड है एंडोलिम्फ कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लेबरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया तो इनर ईयर में ऑर्गन ऑफ कोटाई हेयर सेल्स वेस्टिगुलर अप्रेटर्स ये सब होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिसके द्वारा फाइनली हियरिंग होती है बैलेंस होता है तो दो काम है हियरिंग एंड बैलेंसिंग द बॉडी इज डन बाय द ईयर दिस इज द काकुलियर नर्व गोइंग टू द ब्रेन चैप्टर ट्वेंटी टू नाउ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इसमें हमारे को बहुत सारे ये ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स पिनियल हाइपोथैलेमस पिच्यूट्री ये स्कल के अंदर हैं ब्रेन में मिलते हैं पिच्युट्री इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ये नेक में थायराइड और थायराइड के ऊपर पड़े हैं ये पैराथायराइड्स इन सब के अपने अपने फंक्शंस अपने अपने हार्मोन्स हैं हार्मोन्स आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय अस इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो थायरॉक्सिन यहाँ बनता है थायरॉयड के अंदर थाइमस हार्ट के पास मिलता है पेनक्रियाज